हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर्स। सेंसिटिव होना समझते हो ना आप लोग? हम लोग कहते हैं ना कभी कभी किसी बच्चे के बारे में, किसी आदमी के बारे में कि वो बंदा बहुत सेंसिटिव है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बंदा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। संवेदनशील होने का मतलब है कि उसे अपने अलावा दूसरों की स्थिति को लेकर के उसके मन में दया की भावना आती है, वो उसकी मदद करना चाहता है, वो उसके साथ खड़ा होना चाहता है। इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे सेंसिटिव होना। तो हमारा चैप्टर है सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। तो हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। मीना सॉ हर 9 ईयर ओल्ड सन आनंद मेकिंग ए पेंटिंग। शी वॉज क्यूरियस टू नो हु वॉज गोइंग टू गेट दिस पीस ऑफ आर्ट। तो मीना इस चैप्टर में माँ का नाम है, जो अपने 9 साल के बच्चे को देख रही है, जिसका नाम है आनंद, जो एक पेंटिंग बना रहा है। अब वो जानना चाहती हैं कि आखिर ये जो आर्ट बनाया जा रहा है, ये जो पेंटिंग बनाया जा रहा है, ये किसे मिलने वाला है? आखिर आनंद इसे किसके लिए बना रहा है? आप देख रहे हो ना इस चित्र में कि कैसे आनंद यहाँ पर एक पेंटिंग बना रहा है। ये जो पेंटिंग है ना, ये मुझे थोड़ा सा बिल्ली के जैसा लग रहा है, कैट के जैसा लग रहा है। हर्सन टोल्ड हर दैट इट वाज फॉर हिज क्लासमेट्स लिटिल सिस्टर हु वाज ए स्पेशल चाइल्ड। तो मीना जी के बच्चे ने क्या बताया? उसने बताया कि वो यह अपने क्लासमेट की छोटी बहन के लिए बना रहा है, हु वाज ए स्पेशल चाइल्ड। तो यहाँ पर ये वर्ड ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशल चाइल्ड। हम लोग स्पेशल चाइल्ड किसे कहते हैं? स्पेशल किसे कहते हैं? किसी खास चीज को कहते हैं ना। यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड का मतलब है एक बच्चा जो खास है। खास है उसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसके अंदर में कोई विशेष गुण है। यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड का मतलब है कि एक बच्चा जो स्पेशल इसलिए है कि उसके अंदर में शायद कोई फिजिकल डिजेबिलिटी है, कोई कमजोरी है। अभी आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। द इंटायर क्लास वॉज बिजी मेकिंग कार्ड्स, पेपर चेन्स, कैप्स एंड मास्क फॉर हर 5th बर्थडे टू मेक हर हैप्पी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि वो जो पूरी की पूरी क्लास है जिसमें आनंद पढ़ता है, वो सारे के सारे बच्चे कुछ न कुछ बनाने में व्यस्त हैं उस बच्चे के लिए, है ना। जो बच्चा स्पेशल है, जिसके लिए ये सब के सब क्या बना रहे हैं? वो कार्ड्स बना रहे हैं, पेपर चेन्स बना रहे हैं, टोपियां बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, क्योंकि ये उस बच्ची का 5वां दिन है और सारी क्लास के बच्चे सभी चाहते हैं कि वो काफी खुश रहे। द लिटिल गर्ल वॉज अनेबल टू वॉक, स्पीक और हियर, बट कन्वेड हर हैप्पीनेस बाई स्माइलिंग और क्लैपिंग। तो बच्चों ये बात है, द लिटिल गर्ल वॉज अनेबल टू वॉक, स्पीक और हियर, बट कन्वेड हर हैप्पीनेस बाई स्माइलिंग और क्लैपिंग। तो वो जो स्पेशल बच्ची है, उसके साथ में क्या बात है कि वो चल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर करती है तालियां बजा करके, स्माइल करके, है ना। आनंद आंसर फील्ड मीनाज आईज विथ टीयर्स। तो जब आनंद ने ये बात बताई कि वो अपने क्लासमेट की बहन के लिए ये पेंटिंग बना रहा है, जिसका जन्मदिन आने वाला है, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, तो ये बातें सुनकर के आनंद की जो मम्मी है मीना, उनकी आंखें भर आती हैं, वो इमोशनल हो जाती हैं। शी कुड नॉट बिलीव दैट आनंद, हु रिफ्यूज टू शेयर हिज टॉयज विथ हिज ओन यंगर सिस्टर उषा,
could be so concerned about bringing joy to a special girl. Meena felt proud of her son. तो ये बातें सुनकर मीना जी की आंखें भर आती हैं और वो एक बार को तो विश्वास नहीं कर पाती हैं कि आनंद जो कि एक ऐसा लड़का है जो अपने खिलौने अपनी छोटी बहन उषा के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वो यहाँ पर वो एक स्पेशल लड़की के लिए इतनी चिंता दिखा रहा है, उसकी खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। सो मीना फेल्ट प्राउड ऑफ हर सन, उन्हें अपने बेटे के लिए काफी गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है ना। अब बच्चों क्या है कि वी लिव इन ए सोसाइटी, मनुष्य के बारे में क्या बात कही जाती है, मैन इज ए सोशल एनिमल। सो व्हाट इज मीन्ट बाय सोशल, यहाँ पर सोशल होने का मतलब क्या है? सोशल का मतलब ये है कि मनुष्य अकेले नहीं रहता, वो समाज में रहता है, वो परिवार में रहता है। वी लिव इन ए सोसाइटी, All of us depend upon one another for different reasons. तो हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो इसके बारे में क्या बात है कि हम सब लोग एक दूसरे पर अलग अलग वजह से डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। हम रह तो सकते हैं अकेले, लेकिन हम अकेले रह करके खुश नहीं रख सकते। हमें खुशियाँ बांटने की जरूरत होती है। हम अपने दुख भी बांटते हैं लोगों के साथ में, परिवार के साथ में शेयर करते हैं, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ डू यू नो सेक्शन में लिखा है, एक छोटा सा डेफिनेशन है सोसाइटी का। व्हाट इज ए सोसाइटी? सो ए सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। तो सोसाइटी क्या है? वो लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जहाँ पर लोग मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं। So look around and you will find that most people are sensitive to the needs of others. तो जब तुम अपने चारों ओर देखोगे तो तुम महसूस करोगे कि लोग अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के प्रति काफी संवेदनशील हैं, काफी भावुक हैं। Everyone is ready to hold the hand of a child, an old person while crossing a road, offer them a seat in a bus or a train, or help them to carry heavy bags. तो लोग यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने को कैसे तैयार हैं कि हर कोई चाहता है कि वो किसी बच्चे का हाथ पकड़ करके उसे सड़क पार करा दे या किसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में मदद कर सके, बूढ़े आदमी को बस में या ट्रेन में अपनी सीट ऑफर कर सके बैठने के लिए कि आप बैठ जाओ मैं खड़ा रह लूँगा, और हेल्प देम टू कैरी हेवी बैग्स, या फिर हम बुजुर्ग लोगों का बैग भी ढो करके उन्हें उनकी मदद कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। The children develop a caring attitude towards other by watching their parents and other people around them. तो अब तो एक बात बताओ भाई कि बच्चे सीखते कैसे हैं, या बच्चों में ये चीजें, ये फीलिंग्स कहाँ से आती है, ये सेंसिटिविटी कहाँ से आती है? ऑब्वियसली वो अपने घर में बड़ों को, अपने मम्मी को, पापा को, बड़े भाई को, चाचा को, दादा को, दादी को ऐसा करते हुए देखते हैं। कैसा, क्या करते हुए देखते हैं? वो देखते हैं कि वो जो लोग हैं, उनके मम्मी पापा हैं, वो अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, और यही चीज उनके मन में आती है, यही भावना धीरे धीरे उनके मन में सेट होती चली जाती है, जिससे बच्चे भी आगे चल करके अपने आसपास के लोगों की, जरूरतमंद लोगों की, कमजोर लोगों की, बीमार लोगों की मदद करते हैं। चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स या घर परिवार के लोगों से ही नहीं सीखते, वो अपने दोस्तों से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, स्कूल में भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। अगर उसके दोस्तों में अच्छे बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चे अच्छी बातें सीखेंगे, अगर उसके दोस्तों में गंदे बच्चे हैं जो शरारत करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो शरारत करना सीख जाए। एक्सक्यूज मी। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नीता। शी लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली वेयर एवरीवन केयर्स फॉर द कंफर्ट ऑफ अदर्स। अब यहाँ एक दूसरा एग्जांपल है नीता नाम की एक बच्ची के बारे में। वह एक जॉइंट फैमिली में रहती है। जॉइंट फैमिली के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना,
कि ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली एक साथ मिलकर के रहती है, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें बच्चे और मम्मी पापा के अलावा चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी भी साथ में रह सकते हैं, ऐसे परिवार को हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो नीता के बारे में क्या एग्जाम्पल है कि नीता एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जहाँ हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है और एक दूसरे के आराम की परवाह करता है। शी प्लेज क्वाइटली व्हेन हर ग्रैंडफादर रेस्ट। और नीता क्या करती है, वो कैसे हेल्प करती है, तो वह काफी शांति से खेलती है जब उसके दादाजी आराम कर रहे होते हैं। बच्चों आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये दादाजी है ना, दादाजी आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं, और ये नीता है यहाँ पे जो अपने दोस्तों के साथ में शांति से खेल रही है ना। ये एक दोस्त है उसकी, ये दूसरी दोस्त, और ये तीसरा दोस्त। तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, जब घर में कोई बुजुर्ग आदमी आराम कर रहा हो तो उन्हें शांति से कम शोर मचा करके खेलना है ना। सो ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रेन हैव ऑल्सो बिकम कॉन्शस एंड डू नॉट मेक नॉइज व्हाइल नीताज ग्रैंड फादर इज स्लीपिंग। तो आस पड़ोस के जो बच्चे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नीता के साथ में खेल रहे हैं, वो भी इस चीज का ख्याल रख रहे हैं कि भाई बगल में नीता के दादाजी सो रहे हैं। सो इन दैट केस वी डू नॉट हैव टू मेक नॉइज। हमें खेलना तो है लेकिन हमें शांति से खेलना है ना। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है आपको। लिस्ट टू गुड हैबिट्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर पेरेंट फ्रेंड्स। आपको अपनी दो हैबिट्स के बारे में लिखना है जो आपने सीखा होगा अपने दोस्तों से। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि बच्चे अपने दोस्तों से काफी कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, वसुधा इज ए सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर। वसुधा एक बड़ी लड़की है जो एक फैशन डिजाइनर है ना। और हम लोग इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग महिला के बाल संवार रही है वो। सो दिस इज अनदर केस ऑफ सेंसिटिविटी। हर मदर वर्क्स इन एन ऑफिस एंड हर फादर इज ए बैंक ऑफिसर। वसुधा की जो माँ है वो एक ऑफिस में काम करती है और उसके पिताजी जो हैं वो बैंक ऑफिसर हैं। एवरी मॉर्निंग वसुधा बाथ्स एंड फीड्स हर ग्रैंड मदर। तो ये जो महिला हैं यहाँ पे, ये वसुधा की ग्रैंड मदर हैं। कौन है? ग्रैंड मदर है। और ये कौन है? ये वसुधा है। सो वसुधा हर रोज सवेरे में जब जगती है तो उसके बाद वो अपनी दादी माँ को नहलाती है, दादी माँ को खाना खिलाती है, शांति आनंद बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। और दादी माँ का नाम क्या है? शांति आनंद। तो वसुधा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, सी इज ए सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर। उसे रोज फैशन डिजाइनिंग के काम के लिए बाहर जाना होता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो हर रोज सवेरे जग करके पहले अपने दादी माँ को नहाती है, उसे खाना खिलाती है, और उसकी दादी माँ का नाम क्या है? शांति आनंद। और उसके बाद वो ऑफिस जाती है। इन द इवनिंग सी क्लीन्स एंड फीड्स हर अगेन। और जब वसुधा शाम में ऑफिस से लौट करके आती है तो वो फिर से अपनी दादी माँ की साफ सफाई करती है और दादी माँ को खाना खिलाती है। हर पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हर केयरिंग बिहेवियर टुवार्ड्स हर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? केयरिंग बिहेवियर। तो वसुधा के जो मम्मी पापा हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो इस चीज को लेकर के काफी प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि उनकी बच्ची अपनी दादी को लेकर के इतनी सेंसिटिव है, वो उसका उतना ज्यादा ख्याल रखती है ना। दे अप्रिशिएट हर हेल्प। हाउ एवर दे हैड नेवर फोर्स्ड वसुधा टू 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 टेक केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो उसके मम्मी पापा के बारे में क्या बात है कि वो हमेशा से वसुधा की इस चीज के लिए तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि वो जो इस तरीके से घर के काम में मदद पहुंचाती है, अपनी दादी माँ का ख्याल रखती है। हालांकि उन्होंने कभी भी वसुधा को इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वसुधा ने ये बातें खुद से करनी शुरू की, या कहीं ना कहीं ये संस्कार, ये फीलिंग उसमें अपने पेरेंट्स को देख करके आया है कि पेरेंट्स कैसे दादी माँ का ख्याल रखते थे। सी
शी हैड ऑब्जर्व हर पेरेंट्स एंड नेचुरली डेवलप्ड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स हर ग्रैंड मदर। तो यही बात है ना जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वसुधा ने अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया है, देखा है कि कैसे वो लोग दादी माँ का ख्याल रखते थे और धीरे धीरे नेचुरली ये चीज़ें वसुधा के स्वभाव में भी आ गईं और उसने भी इस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लिया कि सी शुड टेक केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर, और इसलिए वो दादी माँ का ख्याल रखती है। अब यहाँ हम लोग डू यू नो सेक्शन में एक चीज़ देख रहे हैं कि मैनी ओल्ड पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग एंड कैन नॉट सी प्रॉपरली, therefore it is very important to assist them in their day to day activity। तो क्या होता है बच्चों कि हम लोग अपने घरों में भी देख सकते हैं, आसपास में भी देखते हैं कि जब लोग काफी बुजुर्ग होते हैं, जब when they cross the age of 70, 75, 80 कह लो, तो उनकी ना सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। कई बार तो वो लोग चलने फिरने बैठने में भी थोड़े से दिक्कत महसूस होती है उनको, तो उस केस में हमें उनकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ लव एंड केयर, ऑल चिल्ड्रन शेयर ए स्पेशल बॉन्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। तो हमारा जो परिवार होता है ना, ये हमारे परिवार के लोगों के बीच में आपस में प्यार के संबंध को, ख्याल रखने के संबंध को काफी मजबूत बनाता है। और हम लोग ये भी चीज़ देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो होते हैं उनका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, दादा दादी के साथ में, नाना नानी के साथ में बड़ा स्पेशल बॉन्डिंग होती है, बड़ी स्पेशल उनका रिश्ता होता है। जैसे कई बातों पर उन्हें मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से डांट पड़ सकती है, लेकिन उस केस में वो दादा दादी नाना नानी की गोद में जा करके छिप जाया करते हैं। सो दे ग्लैडली रन टू गेट स्पेक्टेकल्स, मेडिसिन और एनीथिंग दैट देयर ग्रैंड पेरेंट्स में नीड, ग्रैंड पेरेंट्स में वांट, है ना। तो इस तरह से बच्चे जो होते हैं घरों में वो अक्सर दादा दादी का चश्मा लाना हो, दवाई लाना हो, उनको पानी देना हो या उनको हेल्प करना हो, तो उसके लिए वो दौड़ते भागते हैं बड़ी खुशी से, प्यार से। ऑन द अदर हैंड द ग्रैंड पेरेंट्स लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन वेरी मच एंड नेवर फॉरगेट टू बाय देम गिफ्ट्स लाइक देयर फेवरेट फ्रूट, टॉय, स्टोरी बुक etc. They are very happy to take the grandchildren to school, park or some other place of their choice। तो इसी तरीके से ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं वो भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को, मेरा मतलब है पोते पोतियाँ, नाती नातियाँ, उनको काफ़ी प्यार करते हैं और कभी भी नहीं भूलते, और बड़ी खुशी से वो उनके लिए गिफ्ट्स खरीद करके लाते हैं, जैसे कि बच्चों का फेवरेट फल खरीद करके लाना हो, टॉय खरीद करके लाना हो, स्टोरी बुक लाना हो, है ना। और वो बच्चों को काफ़ी ध्यान भी रखते हैं, ख्याल भी रखते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल ले जाना हो, पार्क ले जाना हो, या बच्चे कहीं और घूमना चाहते हो तो वहाँ ले जाना चाहते हो। और अक्सर दादा दादी नाना नानी बच्चों को काफ़ी सारी स्टोरीज भी सुनाते हैं, मोरल लेसन्स भी देते हैं, उनके साथ बड़े आराम से, बड़े प्यार से बातें करते हैं। इसी वजह से दादा दादी का ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, नाना नानी का ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे चैप्टर में एक सेक्शन है, इसकी हेडिंग है लिविंग इन ए क्वाइट वर्ल्ड। तो क्वाइट वर्ल्ड, शांत दुनिया, तो कौन से लोग होंगे जो एकदम से शांत दुनिया में रहते होंगे? थिंक अबाउट इट, कैन यू गेस इट? कौन से लोग होंगे जो अंधेरे की दुनिया में रहते होंगे? दे मस्ट बी ब्लाइंड। जो अंधे लोग होंगे वो अंधेरी दुनिया में रहते हैं, उसी तरह से जो लोग बहरे हैं, है ना, वो हमेशा ही शांत दुनिया में रहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में जानने वाले हैं। अंजलि वॉज बोर्न डीफ, सी कैन नॉट हियर द नॉइज, द साउंड्स और पीपल टॉकिंग। अंजलि के बारे में बात है, अंजलि नाम की एक लड़की है जो कि जन्म से ही बहरी है, ठीक है, वो कोई आवाज नहीं सुन सकती और वो लोगों की बातें भी नहीं सुन सकती, बातें भी नहीं समझ सकती। शी डज नॉट नो व्हाट इट इज लाइक टू हियर, बट शी नोज व्हाट इट इज लाइक टू बी डीप। वो ये बात तो नहीं जानती कि सुनना क्या होता है, लेकिन वो ये बात समझ रही है कि बहरा होना क्या होता है।
इट इज क्वाइट एवरीवेयर, क्योंकि उसके चारों तरफ में शांति है, कोई आवाज ही नहीं है क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देता। एंड व्हेन शी यूजेस हर हियरिंग एड द वाइब्रेशंस ऑफ द लाउड साउंड डिस्टर्ब हर, शी क्विकली टर्न्स ऑफ हर हियरिंग एड। चूंकि वो हमेशा से एक शांत दुनिया में रही है, बचपन से उसने आवाजें नहीं सुनी है, तो अगर वो अपने कानों में हियरिंग एड लगाती है और उसे स्विच ऑन करती है, तो उसे लगता है जैसे आसपास से काफी तेज आवाजें आ रही है, और उस केस में वो उसे ऑफ कर देती है। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बच्ची है ना अंजलि, इसने कानों में देखो यहाँ पे हियरिंग एड लगा रखा है, ये एक छोटी सी मशीन है। हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड आई मीन डीफ चिल्ड्रेन आर टॉट द साइन लैंग्वेज। तो जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बहरे होते हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज, इशारों वाली भाषा सिखाई जाती है। आप सब बच्चों में से कुछ बच्चों ने कभी टेलीविजन पर ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन सुना है, जिसमें बहरे लोगों के लिए न्यूज बुलेटिन दिया जाता है। मैंने डीडी न्यूज पर भी देखा है, जी न्यूज पर भी देखा है, आप भी देख सकते हो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लेक्चर सेशन है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टाइम स्लॉट मेंशन कर सकूं, जिससे मैं डीडी न्यूज पर या जी न्यूज पर बहरे लोगों के लिए न्यूज बुलेटिन होता है, तो आप काफी रिलेट कर पाओगे इस चैप्टर को उसके साथ में, कि कैसे उसमें साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। ओके, सो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गेस्चर्स और माइम यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पीच। तो ये जो न्यूज बुलेटिन होता है टेलीविजन पर, उसमें एक कोई भी एक पुरुष या महिला वो न्यूज को बोल रहे होते हैं, और एक दूसरा पुरुष या महिला उस चीज को, उसी न्यूज को साइन लैंग्वेज से इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों को साइन लैंग्वेज की जानकारी है वो समझ सकते हैं कि आखिर क्या न्यूज में बताया जा रहा है, वो सुनकर नहीं देख करके समझते हैं, है ना। सो इट इज कॉमन अमॉन्ग पीपल हु डू नॉट स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज और अमॉन्ग पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक और हियर। तो ये जो साइन लैंग्वेज होता है इसमें अक्सर इशारे किए जाते हैं, बोलने की बजाय इशारे किए जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए लिखने के लिए क्या है, बी का इशारा कैसे होता है, सी का इशारा कैसे होता है, डी का इशारा कैसे होता है। तो ये यहाँ पर एम तक अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, मुझे लगता है अगले पेज पर बाकी के अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। और ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो हर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सुन नहीं सकता और जो बोल नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अल्फाबेट है, इसमें जेड तक लिखा हुआ है। सो द डायग्राम शोज द हैंड मूवमेंट्स यूज्ड इन फिंगर स्पेलिंग और साइन लैंग्वेज। ईच मूवमेंट सिंबलाइजेज ए लेटर ऑफ अल्फाबेट। They are used together with gestures for specific words or ideas, which enable a hearing impaired person to converse with others. तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि हाथों के इशारे से, हाथों की जो अलग अलग मुद्राएं हैं और अंगुलियों की जो अलग अलग मुद्राएं हैं, उसके जरिए किसी न किसी लेटर या अल्फाबेट को डिनोट किया जा रहा है। और इस चीज को लेकर के वर्ड्स फॉर्म होते हैं, आइडियाज फॉर्म होते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, जिसको जो लोग बोलने में या सुनने में असमर्थ हैं वो समझ पाते हैं इन चीजों को। बच्चों, यहाँ पर हम लोग डू यू नो सेक्शन में एक और बात देख रहे हैं कि डीफ पीपल आर ऑल्सो ट्रेन टू मेक साउंड्स एंड रीड द लिप मूवमेंट्स so that they can communicate with others. तो यहाँ पर क्या लिखा है, lip movements। तो जो बहरे लोग होते हैं उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि वो एक अलग तरह की आवाज कैसे बना सकते हैं, और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि वो लोगों के होठ के मूवमेंट को देख करके कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, और उसी तरीके से वो भी अपने लिप का मूवमेंट करके लोगों को बता सकते हैं कि What do they want to communicate? वो क्या कहना चाहते हैं? So in earlier times, most people believed that hearing impaired people were incapable of learning a language or being educated in any way. तो शुरुआती दिनों में काफी समय पहले ऐसा समझते थे लोग कि जो लोग बहरे हैं, सुन नहीं सकते, उन्हें कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज की
ट्रेनिंग नहीं दिखाई दी जा सकती, उन्हें कुछ सिखाया नहीं जा सकता, कोई भाषा नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन यहाँ पर नाम है पेड्रो डे पोन्स। क्या नाम है? पेड्रो डे पोन्स। बट पेड्रो डे पोन्स स्पेनिश मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है साधु। ये एक स्पेनिश साधु थे, बिकेम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट्स। तो टीचर का नाम क्या है? पेड्रो डे पोन्स, जो स्पेन के एक साधु संत थे, वो ऐसे पहले टीचर बने जिन्होंने बहरे लोगों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सिखाया। इन 1620 जुआन पॉल बोनेट अनदर स्पेनिश रोड द फर्स्ट बुक फॉर एजुकेटिंग देम। तो आगे चल करके 1620 ईस्वी में जुआन पॉल पॉलो बोनेट, ये भी स्पेनिश व्यक्ति थे, इन्होंने पहली किताब लिखी जिसमें बहरे लोगों को, या जो लोग बोल नहीं सकते हैं, उनको सिखाने के बारे में, ट्रेनिंग देने के बारे में एक बात लिखी। द बुक कंटेंड ए मैनुअल अल्फाबेट सिमिलर टू द वन यूज टूडे। और ये जो किताब थी, इसमें एक मैनुअल अल्फाबेट को भी मेंशन किया गया था, और ये वैसी ही हुआ करती थी जैसी आज के दिनों में होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डार्क वर्ल्ड। हम लोग अंधेरी दुनिया की बात करेंगे। अंधेरी दुनिया की बात मतलब ऐसी दुनिया की बात नहीं करेंगे जहाँ पे बिजली नहीं होती, दिया नहीं जलता, लालटेन नहीं जलता। हम ऐसी दुनिया की बात करेंगे जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, फिर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना ना बातें, कि उन लोगों के बारे में जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, उनके आसपास में कोई आवाज नहीं होती, और आवाज होती भी है तो सुनाई नहीं देता। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में विच आर ब्लाइंड, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिनके लिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सो द विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड पीपुल लर्न टू यूज देयर सेंस ऑफ टच टू फील एंड एंटिसिपेट। तो भाई सोचने की बात है ना, कि ये अंधे लोग आखिर दुनिया में जीते कैसे हैं। तो उनके अंदर में चीजों को छू करके महसूस करने की क्षमता होती है, वो हर तरह की चीजों को छू करके उसके बारे में समझते हैं, सीखते हैं कि वो ये चीज है। दे रीड बुक्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, और वे किताबें भी पढ़ते हैं लेकिन वो किताबें हम लोगों से अलग होती हैं। द पेजेज ऑफ देयर बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज डॉट्स। तो इनकी जो किताबें होती हैं वो हम लोगों की किताबों से अक्सर काफी मोटी हुआ करती हैं, उसमें जो अक्षर होते हैं वो डॉट से बने होते हैं और वो उभरे हुए होते हैं, जिन्हें हम हाथ से छू करके महसूस कर सकते हैं। और ये जो अंधे लोग होते हैं ना, ये उसे छू करके बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या अक्षर लिखा हुआ है। सो दीज बुक्स आर रिटन इन ब्रेल, इसे ब्रेल लिपि में लिखा जाता है। दे टच दीज डॉट्स एंड रिकॉग्नाइज द रिटन वर्ड, दस दे रीड बाय रनिंग देयर फिंगर्स ऑन देम। तो क्या होगा कि ये लोग ना अपनी उंगलियों को उन अक्षरों की लाइन पर बाएं से दाएं ऐसे फिराते हैं, और उसके बाद वो महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग डू यू नो सेक्शन में लुईस ब्रेल को देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इनकी भी आंखें बंद हैं। तो ये लुईस ब्रेल हैं कौन? ब्रेल वाज इन्वेंटेड बाय लुईस ब्रेल। ये जो ब्रेल लिपि की बात की हम लोगों ने, जिसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं जिसके जरिए अंधे लोग पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो इसकी खोज, इसका आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने। इन एन एक्सीडेंट ही लोस्ट हिज आई साइट। तो लुईस ब्रेल की आंखें एक एक्सीडेंट में चली गई थी, उसके बाद से वो देख नहीं पा रहे थे। बट ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन रीडिंग विच परसुएडेड हिम टू फाइंड द वेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन उनकी लिखने पढ़ने में खास तौर पर बहुत तगड़ी रुचि थी, गहरी रुचि थी, और इसकी वजह से उन्होंने कोशिश की कि भाई अब मैं अगर देख नहीं सकता तो भी ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए मैं पढ़ सकूं, जिसके जरिए मैं लिख सकूं। सो दैट फाइनली ही इंट्रोड्यूस्ड ए वे टू रीड एंड राइट बाई टचिंग द रेज डॉट्स ऑन पेपर। दिस स्क्रिप्ट वॉज नेम्ड ब्रेल इन हिज ऑनर। तो आगे चल करके उन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिसमें ये जो अक्षर होते थे ये उभरे हुए डॉट के रूप में, उभरे हुए बिंदु के रूप में पेपर होते थे, और इस स्क्रिप्ट को ब्रेल लिपि कहा गया उनके ऑनर में।
अच्छा बच्चों, जैसे छोटी सी बात मैं कहूँ कि अगर आपके पास में प्लेन पेपर हो, उस पर अगर आप पिन से ऐसे ऐसे चुभोगे तो आप देखोगे कि उसकी दूसरी साइड में उभरा हुआ कुछ नजर आएगा, जहाँ भी जितने डॉट्स हैं। तो कुछ ऐसे ही तकनीक यूज होती है ब्रेल लिपि में। द हियरिंग इम्पेयर्ड और द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन डिजर्व आवर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट पाइटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि ये जो अंधे लोग होते हैं या बहरे लोग होते हैं, इन्हें इनके ऊपर दया की नहीं, इन्हें हमें इनको समझना चाहिए, हमें इनके साथ में बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम इनके ऊपर दया की भावना दिखाते हैं तो इन्हें कुछ ऑकवर्ड फीलिंग होगी, इन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर हम इनकी भावनाओं को समझते हैं, हम इनकी मदद करते हैं जीवन में आगे बढ़ने में, तो ये उनके लिए बेहतर बात होगी। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू हियर विद देयर ईयर्स और सी विद देयर आईज, बट दे कैन बी गाइडेड टू मूव अराउंड ऑन देयर ओन लाइक अदर पीपल। तो ये खुद से सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, वी कैन हेल्प देम, और इस तरीके से वो बाकी लोगों के जैसे जीवन जी सकते हैं। दे कैन स्टडी एंड वर्क हार्ड एट डिफरेंट ऑक्यूपेशन प्रोफेशंस, वो पढ़ाई कर सकते हैं कड़ी मेहनत करके, और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, प्रोफेशंस हैं, उसमें वो अपना लाइफ सक्सेसफुल बना सकते हैं। दे कैन प्रूव टू बी यूजफुल मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी इफ दे आर गिवन प्रॉपर फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटी एंड गाइडेंस। और ये लोग आगे चल करके हमारी सोसाइटी के यूजफुल मेंबर हो सकते हैं, वो बर्डन नहीं होंगे, यूजफुल मेंबर होंगे, वंस इफ दे आर गिवन प्रॉपर फैसिलिटी, अगर उन्हें उचित सुविधाएं दी जाएं, उचित मौके दिए जाएं, उचित गाइडेंस दिया जाए। वी मस्ट गिव देम रिस्पेक्ट, नेवर बी अफ्रेड टू आस्क इफ दे नीड हेल्प। हमें कभी भी इस बात को लेकर के मन में कोई संकोच या घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हमें उनकी मदद करनी है, जब भी जरूरत हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि हाउ टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर्स। हम बाकी लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति अपने मन में भावना या फिर संवेदनशीलता कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। डू नॉट मेक अनकाइंड रिमार्क्स अबाउट एनी वंस फिजिकल अपियरेंस लाइक चिल्ड्रन वियरिंग ब्रेसेज, स्पेशल शूज, स्पेक्टेकल एटीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कभी भी किसी दूसरे बच्चे के ऊपर में कमेंट नहीं करना चाहिए, रिमार्क नहीं करना चाहिए किस चीज़ को लेकर के, अगर उनके अंदर में कोई फिजिकल डिजेबिलिटी है, जैसे कि उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता तो उसने चश्मा लगाया हुआ है, वो अच्छे से चल फिर नहीं सकता तो उसने जूते पहने हुए हैं, है ना, या अगर उसने अपने दांतों में ब्रेसेस लगाए हुए हैं। डू नॉट मेक निगेटिव रिमार्क्स अबाउट एनी वंस रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज इत्यादि। हमें कभी भी दूसरे लोगों के धर्म, जाति और वो किसी पर्टिकुलर भाषा को ही बोल पाते हैं, इस चीज़ को लेकर के उनके ऊपर में कभी भी निगेटिव कमेंट रिमार्क नहीं करना चाहिए। टॉक पोलाइटली टू यंगर चिल्ड्रेन, ओल्डर पीपल एंड एवरी वन, स्पेशली द सर्वेंट्स। हमें हमेशा अपने से छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से और सबसे, और ख़ास तौर पर जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ में हमें विनम्रता के साथ में अच्छी भाषा का इस्तेमाल करके बात करना चाहिए। ट्राई टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग। और हमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम जब भी भाग लें कंपटीशन में या किसी चीज़ में तो जीतने के बारे में ही सोचें, पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, उसे इंस्पायर कर रहे होते हैं। हैव सिंपैथी फॉर द पुअर एंड दोज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, हमें उन सब के प्रति मन में सिंपैथी की भावना रखना चाहिए, सहानुभूति की भावना रखना चाहिए। अगर कोई बंदा हमारे आसपास में है जो गरीब है, पुअर है ना, या किसी सीरियस बीमारी से सफर कर रहा है। शेयर द हाउस होल्ड कोरस, हमें अपने घर में, घर के जो घरेलू कामकाज होते हैं उसमें अपने मम्मी पापा और बड़े लोगों की मदद भी करनी चाहिए, सब्जी लाने में, घर के काम करने में, चीज़ों को ठीक से रखने में, है ना, कपड़े धोने में,
घर की साफ सफाई करने में, वी कैन डू दिस। सो लर्न अबाउट मेडिटेशन, इट हेल्प्स, इट डेवलप्स एन एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। हम सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान करने के बारे में, मेडिटेशन के बारे में भी सीखना चाहिए। इससे ना मन को शांति मिलती है, आप अपने स्वभाव को शांत रख सकते हो, बैलेंस रख सकते हो। और इसके साथ साथ में इससे ये भी होता है कि हमारे अंदर में तनाव को, टेंशन को बर्दाश्त करने की, स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता डेवलप होती है। सो गुड सिटीजन्स आर आफ्टर ऑल मेड एट होम। तो ये जो अच्छे नागरिक होते हैं ये कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं बच्चों, ये घर में बनते हैं, फैमिली से सीखते हैं। परिवार में उनको जिस तरह की परवरिश दी जाती है, जैसे संस्कार दिए जाते हैं, जैसा व्यवहार किया जाता है, उसी वजह से हमारे देश में अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही आपका चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है, जिस चैप्टर का नाम था आवर सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर्स, है ना। क्या नाम था चैप्टर का? सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं फिर से एक लेक्चर सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों में, बैचमेट्स को इसे शेयर करें। उन्हें बताइए कि किस तरीके से मैंने ये चैप्टर अच्छे से आपको डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे चैप्टर का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन में।